नमस्कार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ भारतवर्ष, आज मैं दिखाऊंगा आपको होंडा मानेसर टू व्हीलर कंपनी। यहाँ पे वर्किंग है मेरे जिया जी और जिया जी की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था उन्होंने डिनर पे ऑन दिवाली। होंडा जो कि है एक जापान बेस्ड कंपनी, उन्होंने की दीपावली की जबरदस्त डेकोरेशन जिसे देखकर आप सभी सरप्राइज हो जाएंगे। मुझे किया इम्प्रेस तीन चीजों ने जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैपनीज कंपनी होने के बाद भी भारतीय कल्चर को इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। होंडा करती है भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को फुल्ली सपोर्ट, क्वालिटी से नहीं करते ये लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज। इन्होंने हमें दिखाई पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुछ ही मिनटों में कर देते हैं ये बाइक को असेंबल, यहाँ से सप्लाई करते हैं मोर देन 40 कंट्रीज को। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। चौंकते रह जाओगे, एकदम देखते रह जाओगे। पहले वो आ रही है, उनका वेट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो चलिए आ चुके हैं सब लोग, मेरे मम्मी पापा दीदी जिया जी श्लोक शौर्य श्रेया एंड वाइफ। ये है मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ से ली हमने एंट्री, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ। मैंने ली अपनी वाइफ के साथ एंट्री। ये है मेरी माँ, ये है मेरे जिया जी। अब हम रिसेप्शन एरिया की तरफ जाते हुए यहाँ से वेलकम टू होंडा रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे लगाए हुए हैं अपनी बाइक के स्पेयर पार्ट्स, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए ऑडिटोरियम की तरफ, जहाँ पर हमारे लिए की गई थी व्यवस्था स्नैक्स की। बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम, यहाँ पे था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे थी एक बहुत ही क्यूट सी बेबी, ये शौर्य श्लोक श्रेया एंड शौर्य दोनों अपने लिए स्नैक्स लेते हुए। श्रेया ने कर ली अपनी प्लेट फुल। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप डेकोरेशन को एंजॉय करना। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मुझे तीन चीज़ों ने बहुत इम्प्रेस किया, उसमें से फर्स्ट थी इन्होंने अर्जुन से ली अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा, और सेकंड था एक विंड चेन जिस पर ओम लिखा हुआ था, एंड द थर्ड वन इज इनकी कैंटीन का एक संस्कृत स्लोगन जो था वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए इन्होंने कैसे ट्रीज को डेकोरेट किया है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर।
यहाँ पर एक छोटा सा चिल्ड्रन गार्डन भी था। उसके बाद हम लोग चले कैंटीन की तरफ। इट्स डिनर टाइम गाइस। दिस इज अ कैंटीन फ्रॉम होंडा गाइस फॉर देयर एम्प्लॉयज। कितनी सुंदर कैंटीन बना रखी है। Now guys, we have started our delicious dinner from here. There are so many varieties in dinner. कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी मिली अपने परिवार के साथ में। लगा कैसा? पेट भर गया। डिनर के बाद लिया हमने सौंफ और अपना दिया फीडबैक। ओके गाइज, यहीं तक थी ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।